लुधियाना दे कोर्ट कंपलैक्स च होए धमाके तो बाद चाहे पंजाब दे विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया, पर अमृतसर दे कोर्ट कंपलैक्स दे हालात ज्यों दे त्यों नजर आ रहे ने। इस संबंधी वकीलां दा कहना है कि अमृतसर दे जुडिशियल कंपलैक्स दे अंदर जाण वाले लोकां दी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। कंपलैक्स दे बिल्कुल बाहर ही दोपहिया अते कार वाहन बिना किसी चेकिंग दे आ जा रहे ने, लेकिन बैरीकेड जरूर लगा दिते गए ने, पर इत्थे कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं। बैरीकेड लगे हुए हैं, सिक्योरिटी इशूज वधा रहे। जिदा कल बहुत ही मनभानी एक घटना हुई ही डिस्ट्रिक्ट लुधियाना दे विच, बहुत ही दुखदाई घटना सी जिहदे च कुछ लोग भी जिन्हां की डैथ हुई है बॉम्ब ब्लास्ट दे विच। ते इह सिक्योरिटी रीजन नूं देख के असीं अज अगर अपनी अमृतसर कोर्ट की सिक्योरिटी की गल करिए तो यह सिक्योरिटी वो कोई लोगों की सेविंग वास्ते तो है ही नहीं। सिक्योरिटी तुसी अज जिवें देख सकते हो इधर कैमरा करके देख सकते हो कि जिहड़े बैरीकेड अज लगे ने यह अज लगे ने, अज तो पहला ना तो इत्थे कदी बैरीकेड सी। जे अज बैरीकेड लगे है तो ना कोई पुलिस ऑफिसर है, तुसी उधर एक बार कैमरा करके देखोगे तो ना तुहानू कोई पुलिस वाला नहीं नज़र आ, ना कोई सिक्योरिटी नज़र आ रही है कि कल नू जे लुधियाना कोर्ट के विच जाके बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है तो अज असीं कित्थे सेफ हाँ, कितने सेफ हैं। अज हूँ एक तीन तरीक न तीन चार पाँच तरीक न जनवरी की हाई मानयोग हाई कोर्ट के इंस्पैक्टिंग जज आ रहे हैं इंस्पैक्शन करने वास्ते अमृतसर कचहरी के विच, ते इन्होंने है सिक्योरिटी है बैरीकेड्स लगा के एक दिखा दिता कि हाँ जी जी साड़ी अमृतसर कोर्ट बड़ी सिक्योर है। देखो जिदा तुम देख रहे हो कि कुछ अन गड्डियां है लोगों की भी अंदर लगी हुई हैं, बड़े आराम ना लोग अंदर आ रहे हैं, किसी का कोई चैकिंग नहीं है, किसी की कोई कुछ नहीं है। जे उन्होंने अंदर मशीनस लगाई हुई हैं वो भी प्रॉपर वर्किंग नहीं है, जे कोई कंप्लेंट कर देता तो एक दिन वो वर्क करके सारा वीडियो बना के शो कर देंगे पुलिस वाले कि हाँ जी असं वर्किंग कर रहे हैं। साड़ी सेफ्टी है ही नहीं है जी, कोई सेफ्टी नहीं है, असं तो आप अपने आपू सेफ कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, बड़े तरीके चली रहा। जो जो घटना कल वापर गई है उस तो असं यही सोच रहे हैं कि साड़ी या इतों के आने वाले लिटिगेंट्स की या कोर्ट स्टाफ की किस तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। असं कहने जी सिक्योरिटी रीजनस बताओ, अज जिमें असं हाई कोर्ट से जाइना या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जाइना उत्थे सिक्योरिटी रीजनस है प्रॉपर, तो आई कार्ड चैक होंगे है, तुहानू एक इलैक्ट्रॉनिक कार्ड इशू किया जाता है कोर्ट वालों, वह जो असं पंच करते हाँ तो ही तुहाडी एंट्री है। लिटिगेंट्स वास्ते एंट्री पास बनाए जाते हैं प्रॉपर तरीके ना कि हाँ जिहड़ा लिटिगेंट है जिहदा केस हैगा वै उही खाली एंटर होंदा, होर कोई एंट्री नहीं करता हैगा, उहदे वास्ते प्रॉपर पास इत्थे भी इशू किए जाते मौके। उन्होंने हाई कोर्ट के पहला एक जड़ा सिस्टम हैगा जी, पहला उन्होंने पास जड़े है तुम बनाने ता ही तुम एंट्री होनी कोर्ट के, उस तो अलावा तुम एंट्री नहीं मिलनी। पहले कभी नहीं हैगी, अज कल जो उ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो बॉम्ब ब्लास्ट होया उस तो बाद अज सवेरे कल भी नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट तो बाद कल भी नहीं, अज सवेरे असी जो कोर्ट च आए तो असी यह देख लिया जी बैरीकेड लगे हुए है, तो यह बैरीकेड ना तो ही देख लो कि सुरक्षा हैगी है साड़ी या जजेस की। देखो असी कल्ली सेफ्टी नहीं हैगी, ए जजेस की भी अपनी सेफ्टी उन्होंने भावें एंट्रेंस होने वाली तो अगों वाली भी गल है कोई हैप हैजर्ड मैनर में सारा कुछ बेतरतीब। बिल्कुल जी, बहुत ही जड़ी अनफोर्चुनेट इंसीडेंट सी वाला, तो यहोजा कभी भी अगों नहीं होना चाहिए, पर साडे सारयां दी बदकिस्मती है कि जो कोई इंसीडेंट हो जाता इंडिया विच असी उस तो बाद उन्हूं देखते हैं कि हुण इहदी किवें दी प्रोटेक्शन लैनी चाहिए है, इनू कितना करना चाहिए। मंग सर मैं पहले ही तुहानूं दस चुका वा कि एक तो प्रॉपर जिहड़ा मेन गेट है जी जिथों लिटीगेंट एंटर होने चाहे वह दो गेट है या तीन गेट है उत्थे प्रॉपर यानी कि जिहड़ा हैगा वा वो जिहड़े पुलिस वाले हैगे उत्थे डिप्लॉय होने चाहिए है, तो वह हर बंदे दी उत्थे प्रॉपर फ्रिस्किंग होनी चाहिए है, सर्च होनी चाहिए।